हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन अनबॉक्सिंग। तो उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एक मज़ेदार वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड स्टोन की ओर से आने वाले कोल्ड एक्वा परफ्यूम के बारे में। तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, कैसी है इसकी फ्रेग्रेंस और साथ में ही इसकी प्राइजिंग की भी बात इस वीडियो में आगे करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो ये है परफ्यूम का बॉक्स। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो परफ्यूम है, ये वाइल्ड स्टोन के कोड सीरीज का परफ्यूम होने वाला है। तो ये जो वाइल्ड स्टोन की कोड सीरीज है, तो ये उनके नॉर्मल सीरीज से काफ़ी अलग है। तो इसमें ये प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, तो उसी सीरीज का ये परफ्यूम होने वाला है, वाइल्ड स्टोन कोड एक्वा। तो इसी सीरीज का ये मेरे पास एक डिवो भी है, वाइल्ड स्टोन कोड प्लैटिनियम। तो इस सीरीज़ में हम लोगों को कुछ प्रीमियम परफ्यूम्स और डिवोज देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को वाइट और ब्लू कलर का बॉक्स देखने को मिलता है। तो बॉक्स के फ्रंट साइड पे हम लोगों को वाइल्ड स्टोन और कोड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साथ में ही एक्वा मेंशन किया हुआ है। और ये ऑदे पफा कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला है और ये 100 ml की क्वान्टिटी में हम लोगों को देखने को मिलता है। और बॉटल के राइट हैंड साइड में हम लोगों को बड़ा सा एक्वा मेंशन किया हुआ देखने को मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को फिर से वाइल्ड स्टोन कोड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और बॉक्स के बैक साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बाकी सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि इन्ग्रीडियंट्स, कॉशंस, मैनुफैक्चरिंग डिटेल्स और मार्केट बाय। और यहाँ पे साथ में इसकी MRP और शेल्फ लाइफ भी मेंशन की हुई है, जो कि इसकी MRP होने वाली है 1299 rupees, यानी 1300 के अराउंड इसकी MRP यहाँ पे मेंशन है। बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। यहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ये दो जगह इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हुए देखने को मिलता है। तो इसमें से जो सेकेंड नंबर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका नाम है अरोमा डी फ्रांस। तो बहुत सारे ब्रांड्स के परफ्यूम हम लोगों को यही कंपनी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो जैसे कि बियर्डो है, या हम लोगों को फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड है, उस्तरा है, तो ऐसे कई सारे कंपनियों के परफ्यूम्स यही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये कंपनी है अरोमा डी फ्रांस। तो वाइल्ड स्टोन के परफ्यूम भी यही मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। तो इसके इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को कुछ इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे बॉटल के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बॉक्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमारी बॉटल सेफ्टी के साथ रहेगी और ट्रांजिट में ये हिलेगी नहीं। तो काफ़ी अच्छा बॉक्स का प्रेजेंटेशन हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो बॉटल के प्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को काफ़ी खूबसूरत बॉटल देखने को मिलती है। तो इसमें हम लोगों को ब्लू कलर की एक ट्रांसपेरेंट बॉटल देखने को मिलती है। तो बॉटल के शेप और लुक से लगता है कि ये कुछ प्रीमियम परफ्यूम होने वाला है, कुछ इस तरीके की इसकी प्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी और खूबसूरत बॉटल है। तो मुझे तो पर्सनली इनकी ये बॉटल्स काफ़ी पसंद आई है। तो यही सेम बॉटल्स हम लोगों को वाइल्ड स्टोन कोड टेरा और पायरो में भी देखने को मिलती है। तो बॉटल के फ्रंट साइड पे हम लोगों को वाइल्ड स्टोन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और कोड एक्वा मेंशन किया हुआ है। और इसके बॉटम में हम लोगों को एक स्टिकर देखने को मिलता है, तो जहाँ पे इसकी बाकी सब इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई देखने को मिलती है। तो इसकी कैप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को सिल्वर कलर की प्लास्टिक की कैप देखने को मिलती है। कैप काफ़ी हल्की है, ज़्यादा हेवी भी नहीं है और अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। और ये है इसका एटमाइज़र। तो इसमें भी हम लोगों को सिल्वर कलर का एटमाइज़र देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसको स्प्रे करके भी दिखाता हूँ। तो अच्छा स्प्रेयर है, अच्छा जूस रिलीज करता है, लीक नहीं करता। तो ओवरऑल इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रीमियम सा एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, कैसी इसकी खुशबू होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। वैसे तो मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी दिन ट्राई और टेस्ट करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसके खुशबू की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फ्रेश एक्वाटिक
और एरोमेटिक परफ्यूम है, तो इसके इनिशियल स्प्रे पर ही मुझे एक सिट्रसी और ग्रीन एप्पल का टोन देखने को मिलता है। तो इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि ये मिड रेंज का परफ्यूम होने के बावजूद तो मुझे ये बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं लगा, तो मुझे इसमें अल्कोहल का ब्लास्ट बिल्कुल नाक के बराबर ही लगा है। तो इसको लगाते ही मुझे एक ताजगी भरा एहसास मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। तो इसके नोट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके टॉप नोट में हम लोगों को ग्रीन एप्पल और लेमन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके हार्ट में हम लोगों को ब्रिज, जैस्मिन और रोज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और इसके बेस में हम लोगों को मस्क, एम्बर और पचुली का नोट्स देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, इसमें से हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी लेमन और ग्रीन एप्पल की खुशबू महसूस होती है, जो कि मुझे तो काफ़ी रिफ्रेशिंग और मूड अपलिफ्टिंग खुशबू लगती है। और जैसे ही ये परफ्यूम अपने सेकेंड फेज में पहुंचता है, इसमें से हम लोगों को एक जैस्मिन और रोज का एक फ्लावरी टच देखने को मिलता है। और जैसे ही ये अपने बेस में पहुंचता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्वाटिक हो जाता है, तो इसमें से मुझे एक मरीन वाइब और मस्की टोन का एक ताजगी भरा एहसास देखने को मिलता है। और साथ में ही एक एम्बर और पचुली का नोट भी हम लोगों को इसमें से देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, तो मैं कहूँगा कि ये सभी को पसंद आएगा, कुछ इस तरह की ये खुशबू है, तो सभी एज ग्रुप के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको ऑफिस के लिए, डेली वेयर के लिए या मीटिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की ये खुशबू है, तो ये किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगा। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत परफ्यूम मुझे ये लगता है। तो इसके परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, तो इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस तो हम लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। मुझे इससे 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन देखने को मिलता है और 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी मुझे इससे मिली है। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ा सा वीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो ये हमको एकदम लग्जरी फील दिलाता है। तो इसको वेयर करने के बाद हम लोगों को ऐसा मालूम होता है तो हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइनर परफ्यूम लगाया है, कुछ इस तरीके की इसकी खुशबू है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फील हम लोगों को दिलाता है। तो इसके प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बॉक्स पे इसकी MRP मेंशन है 1299 रुपीज़, बट ये हम लोगों को 500 से लेके 600 के अराउंड देखने को मिलता है। और जैसी इसकी खुशबू है उस हिसाब से ये अपने प्राइसिंग को भी जस्टिफाई करता है। कई बार ये हम लोगों को अच्छे डील्स में भी देखने को मिल जाता है, तो मैं इसका बेस्ट बाय लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल ओपिनियन की, क्या ये परफ्यूम आपको लेना चाहिए या नहीं। तो जिस तरह की ये खुशबू है, ये एक लग्जरी फील दिलाने वाला परफ्यूम है, तो मैं इसको डेली यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो समर में या डेली यूज़ करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। हालांकि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसी इसकी प्राइसिंग है उस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम बन जाता है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक है, लेकिन जैसी इसकी प्राइसिंग है कुछ 500 या 600 के अराउंड हम लोगों को ये अगर मिल जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इनका डिस्कवरी सेट भी हम लोगों को देखने को मिलता है, उसमें हम लोगों को 8 ml की क्वांटिटी भी और इसकी 8 ml की क्वांटिटी भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये बड़ी बॉटल खरीदने से पहले इसका 8 ml का छोटा पैक भी आता है, आप उसको पहले ट्राई करना, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसके बाद ही आप ये 100 ml की बॉटल की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशबू है, ये वाइल्ड स्टोन के दूसरे परफ्यूम की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि ये वाइल्ड स्टोन की कोड सीरीज जो है, तो ये प्रीमियम सेगमेंट के फ्रेग्रेंस बनाते हैं, तो इनकी जैसी दूसरी सीरीज है जिसमें हम लोगों को वाइल्ड स्टोन एज और हाइड्रा एनर्जी जैसे परफ्यूम देखने को मिलते हैं, तो ये परफ्यूम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो परफ्यूम्स हम लोगों को कुछ 300 या 250 रुपीज़ में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो परफ्यूम्स हम लोगों को काफ़ी सिंथेटिक देखने को मिलते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट देखने को मिलता है। वही इस परफ्यूम को अगर हम लोग उनके साथ कंपेयर करें तो वही इसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। इसमें मुझे बिल्कुल भी अल्कोहल ब्लास्ट देखने को नहीं मिला और ना ही ये सिंथेटिक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक रिफाइन खुशबू है, सबको पसंद आने वाली खुशबू है, तो
तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।